Good morning. It's all set. Voice clear hai aap sabhi logon ko. Let me check first. वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग. वॉइस क्लियर है? यस. गुड मॉर्निंग. वॉइस क्लियर है? स्निग्धा बैनर्जी. ऑल सेट. यस देवेश जी. गुड मॉर्निंग. ओके. चल सो आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो जो डिस्कशन है वो डिस्कशन कंप्लीटली बेस्ड है एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स के ऊपर और एबीसी ट्रांसपोर्टर्स एंड सीएफटीआर चैनल्स के. गुड मॉर्निंग सभी लोगों को. मेरा नमस्कार. गुड मॉर्निंग सभी लोगों को. नमस्कार. बिल्कुल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को. मेरा नमस्कार. आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे. हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. कौस्तु मदक जी लेरिंजर ओवरऑल इट इज़ अ गुड बुक. व्हाइट एंड व्हाइट इज ऑल्सो गुड बुक बट बेसिकली व्हाइट एंड व्हाइट कैन बी रिफर्ड फॉर प्रोटीन केमिस्ट्री. जितने भी प्रोटीन के लेक्चर्स हैं वो बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, है ना. तो प्रोटीन के लेक्चर्स को ले सकते हैं. प्रोटीन के लेक्चर्स बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं. प्रोटीन के लेक्चर्स को उसमें लिया जा सकता है. तो प्रोटीन के लेक्चर काफ़ी अच्छे लेक्चर्स हैं. प्रोटीन का जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा कंटेंट है. वो लिया जा सकता है व्हाइट एंड व्हाइट से. तो व्हाइट एंड व्हाइट से गुड मॉर्निंग. व्हाइट एंड व्हाइट जो है वो प्रोटीन केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक हो सकती है. लेरिंजर ओवरऑल इट इज़ अ गुड बुक. जर्नल जो बायोकेमिस्ट्री है उस जर्नल बायोकेमिस्ट्री के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लेरिंजर. लेरिंजर से सब कुछ पढ़ा जा सकता है. सब कुछ अच्छा थोड़ा थोड़ा सब कुछ. हालांकि डिटेल्ड बहुत नहीं है. वन क्वेश्चन ऑन द डे एंड विल यू हेल्प मी प्लीज़ सबीहा. मुझे याद नहीं है. मैंने देखा नहीं डी एन ए वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने नहीं देख पाया. तो आप वो मुझे दोबारा भेज दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पर. व्हाट्सअप कर दीजिएगा. टेलीग्राम से ज़्यादा अच्छा व्हाट्सअप है. तो आप सभी लोग तो पहले एक काम करिए कि सभी लोग शेयर कर दीजिए. वो ज़्यादा बेहतर है. जितने लोग हैं सभी लोग शेयर कर देंगे तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग कहकशा परवीन. हाँ मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं आप लोग. ठीक है. तो हम लोग आज एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स को पढ़ने जा रहे हैं. तो एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स को जब हम लोग पढ़ेंगे तो एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स क्यों ज़रूरी हैं, क्या काम करते हैं. नॉर्मली हम लोग जो एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स की अगर हम बात करें तो एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स जो हैं वो ध्यान देंगे सभी लोग. हाँ पर्सनली भेज दूँ. ग्रुप में भेज दीजिए. कहीं भेज दीजिए. कोई प्रॉब्लम नहीं है. जहाँ चाहे वहाँ भेज दीजिए. कोई समस्या नहीं है. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर हम इस एक छोटे से चार्ट को देखना शुरू करें बेसिक सा नॉलेज अगर हम बेसिक नॉलेज अगर हम देखना शुरू करें तो बेसिक नॉलेज में हमें समझ में आएगा कि एबीसी आर इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ लाइपोफिलिक ड्रग्स, एक्सपोर्ट ऑफ फॉस्फेटिडाइल कोलीन इनटू द बाइल, एक्सपोर्ट ऑफ बाइल सॉल्ट इनटू द बाइल, ट्रांसपोर्ट क्लोराइडाइन इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटी ऑफ पेरोक्सिसोमल एंजाइम दैट ऑक्सीडाइजेस वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, एक्सपोर्ट कोलेस्ट्रॉल एंड अदर स्टेरॉल्स, एक्सपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड अपटेक एंड हाई डेंसिटी लिपिड्स, है ना.
तो ओवरऑल इन सब में, जैसे मैं पहले भी एक लेक्चर में मैंने जर्नल लेक्चर में बोला था, इन सब में एक कॉमन चीज़ है कि एबीसी नॉर्मली जितने भी हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, बेसिकली तुम्हारे फैटी एसिड्स, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, अलॉन्ग विद द क्लोराइड आयन, अलॉन्ग विद द क्लोराइड आयन. गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग एवरीबडी. तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. गुड मॉर्निंग. तो ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं. तो जब हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में बात करी तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, कई सारी चीज़ें इन द सेंस ये समझने की ज़रूरत है कि ए बी सी वाई द ट्रांसफर बाई द ए बी सी ऑफ ट्रांसफर बाई द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेटिडाइल कोलिन और फॉस्फोलिपिड इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द फैटी एसिड इन द इनर लीफ और आउटर लीफ, आउटर मोनोलेयर, जो मोनोलेयर्स हैं उन मोनोलेयर पे जो बैलेंस बनाने का काम है, फैटी एसिड का जो बैलेंस है, इट दिस बैलेंस इज क्रिएटेड और मेंटेन्ड बाय योर ए बी सी. तो एक जर्नल में अगर हम बात करें, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, अभी बहुत दूर हम फ्लपेज और फ्लॉपेज पे अभी हम नहीं जाना चाहते. सभी लोग समझ लें, केवल एक कॉपी पर ये पॉइंट नोट कर लें कि ए बी सी मॉलिक्यूल्स, ए बी सी ट्रांसपोर्टर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम और मेंटेन द कंसेंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक फॉस्फोलिपिड अक्रॉस द मोनोलेयर, बाई लेयर, आउटर मोनोलेयर और इनर मोनोलेयर, दोनों में जो बैलेंस है, जो इक्विलिब्रियम है, जो कॉन्टेंट है, उस कॉन्टेंट को मेंटेन करने का काम तुम्हारे ए बी सी ट्रांसपोर्टर्स करते हैं. बस एक एक क्वेश्चन तो तुम्हें सेक्शन बी में इस तरीके का एक मिल जाएगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन होगा. तो इसलिए इस क्वेश्चन को कभी भी इग्नोर मत करिएगा, जर्नल क्वेश्चन मिलेगा. तो ये जर्नल इंफॉर्मेशन. अब दूसरा आता है कि जब हम ट्रांसपोर्ट करने की बात करते हैं तो दो अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट होंगे, जैसा कि हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक तो जो ए बी सी ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये ए बी सी ट्रांसपोर्टर्स जो फॉस्फोलिपिड्स हैं और जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं उनके ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना. और दूसरा क्लोराइड आयन ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साथ में हम H2O भी लिख लेते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो दोनों का जो मैकेनिज्म है, क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट का, जो फॉस्फोलिपिड ट्रांसपोर्ट का, जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म है, दैट विल बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. बिल्कुल बिल्कुल अलग तरीके से, क्योंकि ये एक्चुअली, ध्यान दीजिएगा जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब एबीसी फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करते हैं तो दे एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर. कैसा काम करते हैं? ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं. लेकिन जब क्लोराइड आयन की बात करते हैं तो दे एक्ट एज अ चैनल, चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, चैनल बनाते हैं, है ना. तो यहां पर दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है. बिल्कुल. थैंक यू. रिज्यूम कर रहा हूँ मैं, कहाँ जाऊँगा, रिज्यूम नहीं करूँगा तो कहाँ जाऊँगा. तो दोनों में फर्क है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से फॉस्फोलिपिड्स ट्रांसफर होते हैं. तो फॉस्फोलिपिड ट्रांसफर होने की बात जब हम यहाँ पर करेंगे तो फॉस्फोलिपिड जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ये जो मैकेनिज्म आपके सामने, ये जो फिगर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है. गुड मॉर्निंग रूपाली श्रीवास्तव. हाँ, ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए. तो स्ट्रक्चर अगर हम बहुत ध्यान से देखें, स्ट्रक्चर क्या कहता है ए बी सी ट्रांसपोर्टर्स का, तो स्ट्रक्चर दिस इज ए वन, दिस इज टी वन, दिस इज टी टू, दिस इज ए वन. गुड मॉर्निंग अश्विनी जी. दिस इज टी टू. तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स ए वन, टी वन, टी टू, ए टू कन्फिग्रेशन का जो क्लास ऑफ ए बी सी है उसके साथ, उसके द्वारा ट्रांसफर होगा, उसके द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा. इज इट क्लियर? आप लोग शेयर वेयर नहीं करते तो मजा नहीं आता है ना, मतलब आप सीरीज भी चलाओ और उसके बाद तुम लोगों का सपोर्ट भी ना मिले, इतना ऐसा कैसे चलेगा बताओ. तुम लोग मतलब शेयर भी नहीं कर रहे, कम से कम अपने अपने सोशल मीडिया पे एक बार शेयर कर दे तो कम से कम ये जो लोग हैं थोड़े बहुत बढ़ जाए, हम लोग भी कम से कम इस स्टेज पे पहुंच जाए जहां पर कम से कम 100-150 लोग को तो हम लोग एक बार को लाइव में पढ़ा सके ना, तभी तो थोड़ा सा आनंद आएगा. अदरवाइज जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ज्यादा मजा आता है कि हाँ यार, हाँ.
बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे शेख भाई। तो कम से कम आप लोग अपनी सोशल मीडिया पे तो एक बार पोस्ट कर ही सकते हैं। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी देख रहे हैं वो लोग अपने अपने सोशल मीडिया पे इसको एक बार शेयर कर दें, देन इट विल बी अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर अस व्हेन्स वंस द पीपल इंक्रीज इन अटेंड लाइव लेक्चर्स। तो अच्छा लगता है देखने में कि हाँ यार, कम से कम हम लोग भी थोड़ा बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, तो A2, सॉरी गड़बड़ हो गया, सॉरी शक्तिमान। हाँ यस, व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दिया, आई गच्चा, व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दिया या फेसबुक इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया करो यार, इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा दिया करो, हम भी खूबसूरत कम नहीं है, हम भी सुंदर हैं। खैर चलिए, काम की बात, बहुत ध्यान से देखिए। तो इफ एनी फॉस्फोलिपिड हैज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ध्यान दीजिएगा, इनसाइड टू आउटसाइड अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेप्ट की बात, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, देन फर्स्ट इट इज ऑलवेज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, इट बाइंड्स टू टी वन एंड देन टेक अ फ्लिप, ध्यान दीजिए, टेक्स अप अ फ्लिप, एंड वंस इट टेक अप्स द फ्लिप विद इन द T1 and T2 domain of ABC transporter, and ATP is hydrolyzed into ADP and PI. ADP and PI. I'm repeating it. Suppose you want to transfer a phospholipid from one side to another side against the concentration gradient. Then this phospholipid will bind into the active site of T1 and T2, where it will take a flip, take up a flip, and then ATP is hydrolyzed into ADP and PI. Once it will take up a flip, it will look like that. So what's special in it? क्या स्पेशल, क्या ऐसा कौन सा स्पेशल हो गया, ये कौन सा स्पेशल मैकेनिज्म हो गया? स्पेशल है, थोड़ा सा स्पेशल है। इसको बहुत ध्यान से अगर कॉन्सेप्चुअली अगर देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि स्पेशल क्या है, क्यों है ये चीज स्पेशल। मान लीजिए अब ये आपके सामने मोनोलेयर मौजूद है, ये एक मोनोलेयर है, और इस मोनोलेयर का जो ये वाला जो हिस्सा है ये नॉन पोलर है, वो शो किया गया होगा, ये नॉन पोलर है। तो अगर अब आप एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को इधर से इधर जब आप लेकर जाएंगे तो कैसे लेकर जाएंगे, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिए, सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, या फिर मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले लेता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। तो अगर ये, हाँ ये, इसको जब आप इधर से इधर की तरफ, एक इनर मोनोलेयर फेस से आउटर मोनोलेयर फेस की तरफ जब आप लेकर जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, बहुत ध्यान से थोड़ा पेशेंटली सब लोग देख लीजिए, ये ऐसे करके ट्रांसफर होगा। तो जब ये फ्लिप कर रहा है तो फ्लिप करने के दौरान जो पोलर हेड है it has to cross the non-polar area of the membrane. तो ये opposite interaction possible नहीं है, मतलब ये spontaneously नहीं हो सकता है, ये अपने आप नहीं हो सकता, because polar do not interact favorably spontaneously with the non-polar surface. So what happens? This reaction takes place within, मैं फिर से बात बता दे रहा हूं, within the T1 and T2 domain, T1 and T2 domain. तो उससे होगा क्या कि जो पोलर हेड है इट विल गेट अ सर्फेस वेयर इट कैन इजिली फ्लिप विदाउट इंटरैक्टिंग द नॉन पोलर एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन. दैट इज वाई ABC transporters are required
टू ट्रांसफर और टू फ्लिप मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम वन मोनोलेयर टू अनदर मोनोलेयर. तो जस्ट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड वन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लाइक आप एक 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 मॉलिक्यूल है, सपोज करिए ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, यहां से यहां ट्रांसफर करना चाह रहे हैं. तो ये जब क्रॉस कर रहा है, ये जो घूम रहा है, तो ये जो एरिया है ये नॉन पोलर एरिया है. तो अगर एबीसी ट्रांसपोर्टर लग जाएंगे तो एबीसी ट्रांसपोर्टर विल कवर द पोलर हेड एंड इट विल इजिली फ्लिप, स्पॉन्टेनियसली फ्लिप द फॉस्फोलिपिड फ्रॉम वन मोनोलेयर टू अनदर मोनोलेयर. दिस इज अ वेरी सिंपल फिनोमेना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. So if I ask if my hand is considered as a T1 domain or transmembrane domain, then this inner surface of T1 domain must be made up of polar amino acid residues and the outer surface which is interacting with the membrane must be lined with non-polar amino acid. This is called as amphiphatic nature. So I hope is it clear to all. मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? मेरी बात अगर आप लोगों को समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्ड करें, प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्ड करके मुझे बताइए कि हाँ सर ऐसा है, ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई. बोलिए, मुझे समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है. अगर आपको ये छोटा सा पढ़, तो ये खाली यही नहीं, एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर विच टेक्स प्लेस विद इन द मोनोलेयर और फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, इट हैज टू बी डन इन अ सेम फैशन. नॉट ओनली द एबीसी, इवन एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टर विच इज catalyzing the transport of phospholipid or any other molecule which cannot cross this non-polar surface has to be catalyzed with the same fashion. Is it clear? Very nice Arindam, very nice. बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई. तो अब अगर हम यहीं पर फिर से एक बार देखें, तो this is your A1, this is your T1, this is your T2, this is your A2. So like that, you can easily understand. So inner surface must be lined with the polar amino acid and the outer surface must be lined with the non-polar amino acids. Very nice. बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया. आप लोगों को समझ में आया ये पॉइंट? समझ में आया. तो अब यहां पर अगर हम यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो हम ये पाएंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट कॉपी उठा लीजिए और एक एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिल जाना चाहिए. आई होप एक एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए. बहुत ध्यान से देखेंगे कौन से क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी पर नोट करने हैं. All the members of ABC superfamily transporter contains two transmembrane domain and two cytosolic domains. Clear? Point number one. Note करना चाहे note कर लीजिए. Each transmembrane domain is built of 10 membrane spanning alpha helix. The sequence of A domain, actuator domain, is approximately 30-40% homologous in all members of this superfamily, indicating their common evolutionary origin. खास बात ये, ABC transporters not only found in the animals but also found in the plants. ये भी याद रखिएगा, इस लेक्चर के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि what is a role of ABC transporters in case of plants. Plants में भी इनका क्या रोल होता है. गुड मॉर्निंग. बराबर. इन यूकैरियोटिक सेल द ABC प्रोटीन लोकलाइज नॉट ओनली टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट इट इज ऑल्सो लोकलाइज टू द मेम्ब्रेन ऑफ मेनी इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल इंक्लूडिंग लाइसोसोम, इंक्लूडिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंक्लूडिंग पेरोक्सीसोम. याद रखिएगा, इंक्लूडिंग पेरोक्सीसोम. पेरोक्सीसोम इज इन्वॉल्व इन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म. सो एबीसी आर ऑल्सो फाउंड ऑन द पेरोक्सीसोमल मेम्ब्रेन. बिल्कुल, बहुत, यस बिल्कुल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है.
एंड अबंडेंस इन द लिवर इंटेस्टाइन एंड किडनी साइड वेयर द नेचुरल टॉक्सिक एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय द बॉडी मींस वेरियस हाइड्रोफोबिक टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ एबीसी विद द help of ABC. What are the substrates? What are the substrate for the ABC proteins? Sometimes they also transport sugars. They also transport hydrophobic amino acids. They transport cholesterol, bile, phospholipids, some amphiphatic peptides derived from the bacterial origin, derived from the pathogenic origin, proteins, toxin and foreign substances very very important very very important याद रखिएगा इसको भूलिएगा नहीं अगर आप लोग इसको भूल जाएंगे तो काम नहीं चलेगा तो ये एक कुछ एक पॉइंट्स में टीप करके लाया हूं ये सारा का सारा मैंने लॉडिश से निकाला हुआ है लॉडिश रेफरेंस बुक है लॉडिश से आप इसको पढ़ सकते हैं जहां पर ये दिया गया है इज इट क्लियर टू ऑल मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती है बराबर YouTube की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या YouTube में आप लोग दिखते नहीं हो YouTube में जब नहीं दिखते हो ना तो फिर वहाँ पढ़ाने में ये रहता है आप लोगों के मैसेज का वेट करना पड़ता है कि हाँ सर आ गया बराबर लेकिन जो हम लोगों की लाइव क्लासेस होती हैं उन लाइव क्लासेस में कुछ सारे बच्चे हैं हम लोगों की लाइव क्लास हम लोग अपने सिस्को के प्लेटफॉर्म पर लेते हैं जहाँ पर ऑडियो विजुअल कनेक्ट होता है मतलब ऑडियो विजुअल कनेक्ट का मतलब वहां पर स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑडियो विजुअली हम लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं और मुझे लगता है वो ज्यादा एफिशिएंट है कंपैरेटिवली टू द यूट्यूब यूट्यूब का लेक्चर्स ठीक है जो बच्चे रेंडमली पढ़ना चाहते हैं लेकिन जो मजा लाइव ऑनलाइन क्लास में आता है जहां पर बच्चों का वीडियो आता है जहां पर ऑडियो आता है जहां पर बात हो पाती है जहां पर डाउट क्लियर हो पाता है वो एक अलग ही सेशन रहता है वो एक अलग ही मजा रहता है तो वो एक डिफरेंट चीज़ है खैर लेकिन YouTube का अपनी रीच है तो YouTube की अपनी रीच की वजह से ये सारी की सारी चीज़ है कोई बात नहीं रवि मांझी ओके तो लेट्स मूव टू फर्दर ओके तो अब अगर हम आगे देखें ये अब फिर हम इस चार्ट पे आ जाते हैं देखते हैं तो MDR मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस इज ऑल्सो रिलेटेड विद द एबीसी अभी हम बताएंगे कैसे मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस है बराबर MDR2 ABCB4 फाउंड इन लिवर ABCB11 इज फाउंड इन लिवर CFTR आर फाउंड ऑन एक्सोक्राइन टिश्यूज सच एज ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन such as lumen of your throat, many, जहां पर भी गट मिलेगी वहां पर CFTR, cystic fibrosis, transmembrane receptors भी पाए जाएंगे ABCD1, very, very important, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था इट इज फाउंड इन द पेरोक्सीसोमल मेम्ब्रेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट तो अगर CFTR चैनल में म्यूटेशन हो जाए तो डिजीज होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस सभी ने सुना हुआ है अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे और अगर बहुत ध्यान से देखिए कि अगर AB जो तुम्हारे ABC ट्रांसपोर्टर्स हैं जो हर जगह पाए जाते हैं दैट इज ABCA1 जो हर जगह पाए जाते हैं अगर उनमें म्यूटेशन हो जाए जर्नल ABC अगर म्यूटेट हो जाए देन द डिजीज इज टेंजियर डिजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो टेंजियर डिजीज इज अ कॉमन डिजीज विच टेक्स प्लेस व्हेन द नॉर्मल और कॉमन ABC ट्रांसपोर्टर्स आर म्यूटेटेड याद रखिएगा तो टेंजियर डिजीज आपको DBT JRF में एक क्वेश्चन मिल सकता है इस पार्ट को भूलिएगा नहीं एंड इट टेक्स प्लेस व्हेन ABC मॉलिक्यूल्स आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट द कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड फॉर द अपटेक इनटू द हाई डेंसिटी लिपिड्स इनकी हम बात कर रहे थे बराबर अब
अगर हम सीधी सी बात करें कि जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, जो मैकेनिज्म की बात हम कर रहे थे, तो थोड़ा सा CFTR का जो मैकेनिज्म है वो CFTR का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। वो CFTR का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग कैसे है, बहुत ध्यान से देखेंगे। CFTR का मैकेनिज्म थोड़ा सा, जो चैनल है वहां पर ट्रांसपोर्टर था, यहां चैनल है, तो इस चैनल के मैकेनिज्म को, गुड मॉर्निंग, इस चैनल के मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से देखेंगे। चैनल का मैकेनिज्म क्या कहता है, सबसे पहले बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। बराबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, CFTR are 12 trans membrane made up of 12 trans membrane helix, 12 trans membrane helix with intracellular NBD, NTP binding domain, 2 NBD binding domain, बराबर। अब बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे, जब चैनल ओपन होने हैं, क्लोराइड आयन चैनल को ओपन होना है, तो इट टेक्स प्लेस essentially इन द टू स्टेप एक्टिवेशन प्रोसेस। याद रखिएगा, टू स्टेप एक्टिवेशन प्रोसेस, जैसे तुम लोग आजकल की डेट में वो टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाते हैं ना इंस्टाग्राम पे, है ना, टू स्टेप इनवेसिबल लगाते हो, तो वो जो पार्ट है, उस पार्ट को बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि जो टू स्टेप वाला जो पार्ट है वो यहां पर भी पहले होता। सबसे पहले द आर डोमेन ऑफ CFTR इज फॉस्फोराइलेटेड, बहुत ध्यान से देखेंगे, इज फॉस्फोराइलेटेड। सबसे पहले स्टेप नंबर वन, आर डोमेन इज फॉस्फोरिलेटेड इन प्रेजेंस ऑफ CAPK, cyclic AMP dependent protein kinase A. तो once this R domain is phosphorylated, the first conformational change takes place, and then second phosphorylation, ATP binding takes place on the NBD domains, and these NBD domains provide route for the क्लोराइड आयन ट्रांसफर। फिर से मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, तो पहले स्टेप में अगर CFTR चैनल्स को ओपन करना है, CFTR चैनल्स को ओपन, अगर एनजी स्माइल बिल्कुल करा देंगे बेटा, बिल्कुल करा देंगे, हम बिल्कुल कराएंगे एक एक टॉपिक, आई प्रॉमिस, अगर सब कुछ सही रहा, सारी चीजें सही रही, सब कुछ अच्छे से चलता रहा, आई प्रॉमिस I'll complete my entire units जो मैं पढ़ाता हूं। मैं बता देता हूं मैं क्या क्या पढ़ाता हूं, अपने जो पेड बैच है उस पेड बैच में क्या क्या पढ़ाता हूं। यूनिट नंबर 1 पूरी पढ़ाता हूं, यूनिट नंबर 2 पूरी पढ़ाता हूं, 3 पूरी पढ़ाता हूं, 4 पूरी पढ़ाता हूं, 5 पूरी पढ़ाता हूं, प्लांट फिजियोलॉजी वाली यूनिट अगर 6 है वो भी पूरी पढ़ाता हूं, और इसके अलावा जो आरडीटी वाला पोर्शन है वो मैं पूरा पढ़ाता हूं, और जो जेनेटिक्स में एग्रोबैक्टीरियम वाला जो पोर्शन है वो पूरा पढ़ाता हूं। तो ओवरऑल 7 से 8 यूनिट मेरे पास रहती है लमसम, तो 7 यूनिट का पूरा कोर्स मैं खत्म करा दूंगा आप लोगों का। बस चैनल के साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा सा धैर्य पूर्वक पढ़ते रहिए, हो सकता है किसी दिन आपको बोर लगे और किसी दिन आपको कुछ एक नई इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन आपको मैं ये गारंटी लेके दे रहा हूं कि आपको एक तो रेफरेंस बुक मिलेगी कि मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि आपको एक क्वेश्चन थोरो डिटेल में, सेक्शन बी के डिटेल में मिलेगा। तो मैं जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, बस थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए। नहीं, थैंक यू, हाँ मैं, मुझे मालूम है, आई कैन डू अ वेरी गुड क्लाउनशिप, बिल्कुल मैं पूरा का कंप्लीट कराऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, कतई भी परेशान होने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। यस, बिल्कुल, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा शेयर करते रहिए, थोड़ा सा बस शेयर करते रहिए, लाइक डिसलाइक तो ये सब मोह माया है। यस, नहीं अभी फिलहाल मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे और भी टेस्ट ले रहा हूं, तो हर संडे टेस्ट होता है, तो इसलिए हम लोग ऑलरेडी बहुत बिजी हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या टू स्टेप प्रोसेस क्या है, पहला, अगर CFTR चैनल्स को ओपन करना है तो सबसे पहले CFTR चैनल का R डोमेन का सेराइन, याद रखिएगा, सेराइन इज फॉस्फोरिलेटेड बाई PKA, बहुत ध्यान से देखें,
this serine is phosphorylated by PK, and this PK, once phosphorylates the serine or the phosphate, then the ATP binding, two ATP molecules binds to the NBD, NTP binding domains, leading to the conformational change, and the chloride molecule with the water molecules are transported into the exoglumen. Yaad rakhiyega, in the lumen mein transfer ho jata hai. Then iske baad jaise hi dephosphorylation hua, channel become closed. To do step hai, yaad rakhiyega, CFTR is a channel while the other phospholipids and other are the transporter molecule. Dono mein fark samajhiyega, dono mein fark hai. CFTR ka structural homology, yes, CFTR का structural homology जो है वो ABC के साथ मिलता है, इसलिए इनको ABC में classify किया गया. Otherwise it act as a channel, not as a transporter. दोनों में फर्क समझिएगा, बहुत 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 important है. Clear? तो ये चीज होती है. लेकिन यहाँ पर एक खास बात और है. यहीं पर phenyl alanine 508 कितने लोगों को दिख रहा है? यहीं पर फिनाइल एलानिन 508 कितने लोगों को दिख रहा है मुझे बताइए. हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी फिनाइल एलानिन 508? फिनाइल एलानिन 508 कितने लोगों को दिख रहा है? गुड मॉर्निंग, कितने लोगों को दिख रहा है बताइए. हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी फिनाइल एलानिन? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है. तो ये बहुत क्रूशियल रेजिड्यूज है. ऑलमोस्ट 50% CFTR patients में, CF जिनमें ये CFTR channel mutate हो जाते हैं, उनमें this phenyl alanine 508 is deleted. याद रखिएगा, आया हुआ question है, बहुत 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 important है. In this CFTR channels, phenyl alanine 508 residue is deleted. अरे वाह, फरीदा जी आ गई. फरीदा जी के डिमांड पर ही हमने एबीसी पढ़ाया है. फरीदा जी शुक्रिया, फरीदा जी शुक्रिया, आप आई, हमें अच्छा लगा. हाँ चलिए, तो फिनाइल एलानिन 508, फिनाइल एलानिन 508 का म्यूटेशन CFTR को म्यूटेट करता है. और CFTR को जब ये म्यूटेट करता है तो क्या होता है? बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश करिए. CF इन 70% ऑफ द केसेस रिजल्ट्स इन अ डिलीशन ऑफ फिनाइल एलानिन रेजिड्यू इन अ पोजीशन ऑफ 508. फिनाइल एलानिन रेजिड्यू 508, ये मैंने लेरिंजर्स की जो बॉक्स है वहां से मैंने ये लाइंस उठाई हुई हैं. मैंने लेरिंजर के जो बॉक्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट में बॉक्स दिया हुआ है, वहां से ये चीज उठाई हुई है. बराबर. म्यूटेंट प्रोटीन फोल्ड इनकरेक्टली विच इंटरफियर्स इन इंसर्शन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिजल्ट इन अ रिड्यूस्ड क्लोराइड एंड वाटर एंड मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियल लाइनिंग इन द एयरवेज, डाइजेस्टिव ट्रैक, एक्सोक्राइन ग्लैंड, पैंक्रियास, स्वीट ग्लैंड, बाइल डक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड इट बिकम्स ड्राई. अगर क्लोराइड आयन नहीं जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल भी नहीं जाएंगे, वहां पर म्यूकस थिक हो जाएगा. और जब म्यूकस थिक हो जाएगा, देन इट विल बी अ परफेक्ट मीडियम टू ग्रो फॉर द ग्रोथ ऑफ सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया, सम पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, सच एज कौन से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. ये क्वेश्चन तुम्हें डीयू में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन डीबीटी में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ है. स्यूडोमोनास एरिजिनोसा एंड स्टेफाइलोकोकस आउरियस is a frequent infection, are the frequent infection in case of CFTR mutant channel. अगर किसी में CFTR mutant हो जाए, तो वहां पर mucus dry हो जाएगा due to lack of water and chloride ion. In that case, what will happen? The mucus will be dried up, dehydrated, and it will provide a perfect medium for the growth of Staphylococcus and Pseudomonas aeruginosa, leading to progressive damage to the lungs and reduced respiratory efficiency, जो कि कोरोना वायरस आज की डेट में कर रहा है. ऐसा ही सेम मैकेनिज्म कोरोना वायरस भी, जो लंग्स है, लंग्स के चारों तरफ फैटी एसिड लेयर, जो म्यूकस लेयर है, डिहाइड्रेटेड लेयर है, जिसकी वजह से जो लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी वो खत्म हो जा रही है,
और लंग्स टाइट हो जा रहे हैं, फाइब्रोसिस हो जा रही है, और उस फाइब्रोसिस होने की वजह से, इसी वजह से इसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ओके? तो फाइब्रोसिस होने की वजह से ही जो जो SpO2 लेवल है वो भी कम हो जाता है जो पेशेंट कोरोना वायरस के पेशेंट्स होते हैं. तो सेम मैकेनिज्म मोर और लेस इट इज कॉज्ड इन सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड इन द लंग्स. ओवरऑल एवरी बैक्टीरिया जो 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 बैक्टीरिया जो वायरसेस हैं जो लंग्स में इंफेक्शन करते हैं मोर और लेस वो इसी तरीके के मैकेनिज्म को अटेन करते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए. चलो 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 चलो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. अरे बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो 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 बोलो. कॉन्सेप्ट क्लियर? यस, कॉन्सेप्ट क्लियर. हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ. तो अब जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है वो लोग मुझे बताएं, CFTR इज अ जेनेटिक डिजीज और नॉट? CFTR is a genetic disease or not? मुझे बताइए, मैसेज करिए, क्या CFTR genetic disease है या नहीं है? CFTR genetic disease है या नहीं है? जल्दी बताइए, CFTR genetic disease है या नहीं है? मुझे बताइए. ओके, तो कौन सी genetic disease है? X-linked है, autosomal है? मुझे बताइए, मुझे बताइए. X-linked है, autosomal है? मुझे बताइए. चलिए, अगर genetic disease है तो CFTR अगर जेनेटिक डिजीज है, देन इट इज इफ CFTR इज अ जेनेटिक डिजीज, देन इट इज ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रेसेसिव है. आय गजब देवेश कुमार वर्मा जी, अगर ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, चलो 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 चलो, हम थोड़ा सा विनीत सर के, हम थोड़ा सा विनीत सर में कूद जाते हैं. विनीत सर जो पढ़ाते हैं ना जेनेटिक्स, हम वहां पर कूद जाते हैं. तो अब अगर CFTR अगर तुम्हारी ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल अगर रेसेसिव डिजीज है, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, बताइए, अगर CFTR रेसेसिव डिजीज है तो एक इनफाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन में, इनफाइनाइटली लार्ज पॉपुलेशन अगर आप ले लें, सुनिएगा, उसमें CFTR का ऑक्रेंस 1 in 2500 पर्सन है. मतलब 2500 में अगर एक बंदा CFTR से इन्फेक्शन से, CFTR जेनेटिक म्यूटेशन से, होमोजाइगस म्यूटेशन से अफेक्टेड है, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ CFTR म्यूटेंट कैरियर. मैं बात कर रहा हूं, मुझे बताइए, मैं जेनेटिक्स, मॉलिक्युलर बायोलॉजी को जेनेटिक्स के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए अगर 1 in 2500 occurrence है, then what will be the probability of what will be the probability of carrier 1 in 25? अरे गजब, आंसर करिए. What will be the probability of a CFTR carrier? गजब, इतने सारे लोग देख रहे हैं, जरा सा मॉलिक्युलर से जेनेटिक्स पे क्या घूम गया तुम लोगों का, मतलब दिमाग ही घूम गया. ऐसा करोगे? हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे. बोलिए, 1 in 250. अरे गजब, बताइए, हम आगे बढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे. हाँ बिल्कुल नहीं, जेनेटिक्स समझ में नहीं आती है सर, कोई बात नहीं, सब आ जाएगा. बिल्कुल, जल्दी बताइए. If the affected is 1 in 2500
affected is 1 in 2500, then what will be the probability of carrier? What will be the probability of carrier? अरे गजब, सही करो सही करो सही करो सही करो, अरे आंसर दो यार, 50-60 लोग देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं। अरे भाई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, 1/40 कुछ भी, मतलब इसीलिए सब गड़बड़ करके आते हो और फिर सिलेक्शन नहीं होता और फिर रोने लगते हो। इतना मतलब CFTR पढ़ लिया, अब CFTR को जेनेटिक्स में जोड़ने की बात आ गई तो गड़बड़ कर देते हो। इफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2500 देन क्यू विल बी 1/50, क्यू विल बी 1/50 एंड द कैरियर्स आर 2PQ, कैरियर्स आर 2PQ देन 2 मल्टीप्लाइड बाय 49/50 मल्टीप्लाइड बाय 1/50, समझिए 1/50, अरे समझो 49 to 50 काट दो जिनकी इच्छा वो गुणा भाग कर ले, लेकिन 1/25 विल बी योर 2PQ वैल्यू, मींस कैरियर विल बी इन 1/25। वेरी सिंपल आंसर, अगर गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 in 25 विल बी द कैरियर, 1 in 25 मतलब इन दिस पॉपुलेशन, इन द पॉपुलेशन, इन एनी पॉपुलेशन इफ इट हैज ऑकरेंस और हिट प्रोबेबिलिटी दैट 1 in 2500 इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड, 1 in 2500 इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड, देन द कैरियर प्रोबेबिलिटी विल बी 1 in 25। जा सब बेकार आदमी, सब लोग, हाँ देखो सबने मैसेज रिट्रैक्ट कर लिए, गलती देखो गलती छुपाना जानते हैं सब लोग। रेणु चौधरी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रेणु चौधरी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। समझ में कितने लोगों को नहीं आया? अरे बोलो, समझ में कितने लोगों को नहीं आया? हम सही किए, अच्छा, लेकिन हम पॉइंट्स में नहीं निकाल पाते। बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया, तो फिर हम करवाएं। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट, बोलो कितने लोगों को समझ में नहीं आया, चलो कितने लोगों को समझ में नहीं आया, चलो जल्दी बताओ। एक जेनेटिक्स का एक बढ़िया सा क्वेश्चन और करवाते हैं, समझ में आ गया? अरे जाओ चलो, अच्छा चलो। फिनाइल क्यूटेनूरिया PKU इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, फिनाइल कीटोन्यूरिया, चलो जिनको नहीं समझ में आया वो लोग फिर से समझें, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, डरो नहीं। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। अब हम 49/50 बताएंगे, परेशान क्यों हो रहे, 49/50 बताएंगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, क्लियर। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, इसका ऑकरेंस मान लें से 1 in 16,000 या से रुक जाओ, अगर हम इसको ले लेते हैं 1 in 1600, हाँ ठीक है, तो 1 in 1600 इसका ऑकरेंस मान लेते हैं, मतलब 1600 में से एक बंदा PKU से अफेक्टेड है, 1600 में एक बंदा PKU से अफेक्टेड है, देन व्हाट विल बी द कैरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ PKU, व्हाट विल बी द कैरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ PKU, देन क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 in 1600, देन क्यू विल बी इज इक्वल टू 1/40, पी विल बी इक्वल टू 39/40, पी विल बी इक्वल टू 39/40, कैरियर इज 2PQ, कैरियर इज 2PQ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 39/40 मल्टीप्लाइड बाई 1/40, 39 से 40 काट दो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, देन 1/20 विल बी आंसर, 1/20 विल बी आंसर, यानी एवरी 20, 1 for every 20 इंडिविजुअल देयर विल बी 1 कैरियर। अगर ये पॉपुलेशन उठाओ, सुनो रटो नहीं, अगर ये पॉपुलेशन उठाओ, 1600 की पॉपुलेशन में एक बंदा PKU से अफेक्टेड है, देन कैरियर कितने में होंगे? हर 20 बंदे में कोई ना कोई एक बंदा कैरियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ये बात आ गई पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन फॉलोज हार्डी वीनबर्ग लॉ, तो ये हम जब बात कर रहे हैं ये पॉपुलेशन की बात करें, लेकिन अगर हम पेडिग्री की बात करें तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के लिए, ऑटोसोमल डिजीज के लिए कैरियर हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/3, नॉर्मल हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4,
normal has a probability of 1 by 3 and affected has a probability. मैं शायद कुछ गलत बता रहा हूँ क्या, मुझे चेक कर लेना, मैं कुछ गलत बता रहा हूँ. ओके, मुझे शायद इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है. कैरियर प्लस नॉर्मल हैज अ 2 by 3 एंड अफेक्टेड इज 1 by 4. यस, अफेक्टेड इज 1 by 4. बराबर. ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज में कोई भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है उसमें जो प्रोबेबिलिटी है, इट इज कैरियर 2 by 3 2 by 3 1 by 3 1 by 4. बहुत सिंपल है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. बराबर. याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाते हैं बहुत आसानी. जरूरी नहीं है कि CFTR का नाम तुम्हें केवल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में दे दे, सेल बायोलॉजी में दे दे, जेनेटिक्स में भी दे दे, तो घुइयां छील लोगे, कुछ कर लोगे क्या, उसको मना कर दोगे? नहीं, हमने CFTR को मॉलिक्यूलर में पढ़ा है, हम जेनेटिक्स में नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना. बिल्कुल नहीं, कतई नहीं. अगर जानना है तो सब कुछ जानना, और मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत आसान है. बस पेशेंस बनाए रखो, सीखने का मादा बनाए रखना, सीखने की जो जिज्ञासा है, जो डिटर्मिनेशन है, जो इच्छा है, जो क्यूरियोसिटी है, जो परसेवरेंस है, उसको मेंटेन करके रखोगे, कभी भी फेल नहीं होगे. ऐसा जरूरी नहीं है कि दुनिया में कभी कोई फेल नहीं होता, लेकिन मतलब पास हो जाओगे, आराम से निकल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. गॉट इट. अरे बोलो मेरे भाई. ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात सब लोगों को समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही, बताओ. बोलो. समझ में आया? ओके. अब बहुत ध्यान से देखो. ये मुझे लगता है कि इस बार के नेट में अभी तक ABC से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अब की बार से मुझे लगता है कि प्लांट के केस में ये तुम्हारे साथ या सो कंफ्यूजिंग. कोई बात नहीं, विनी सर से बोलते हैं कि कोई एक अच्छा लेक्चर ले लेंगे. तो मुझे लगता है कि प्लांट के केस में ABC से रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो अब आप लोग प्लांट के केस में बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिए. प्लांट के केस में जो ABC को सफिक्स दिया जाता है, प्लांट के केस में ABC को जो सफिक्स दिया जाता है वो AT करके दिया जाता है. ATABC बोलते हैं, पॉइंट नंबर वन. प्लांट में ABC आर सफिक्स्ड, प्रीफिक्स्ड विद, नॉट सफिक्स विद, प्रीफिक्स्ड विद AT, प्रीफिक्स्ड विद ATABC. इज इट क्लियर? ATABC के नाम से. अब समझिए, जो प्लांट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ABC हैं, दीज आर ABCC1, ABCC2, ABCG छोड़ दीजिए, लेकिन व्हाट इज अ फंक्शन, यहीं से क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा. मैं अपना वीडियो हटा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये ऐसा कैसे है. बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा. ABC are involved in metal and metalloid tolerance, folate transport, arsenic tolerance, chlorophyll catabolite transport, kanamycin tolerance and biotic and abiotic stress tolerance. Very, very important. अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन आता है बच्चा, तो ABC in plants performs very unique type of function. याद रखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन को इन्वॉल्व करता है, बहुत सारे. खास बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, metal and metalloid transport, arsenic tolerance, kanamycin tolerance and abiotic and biotic stress tolerance में ABC transporters फंक्शन करते हैं. कॉपी पे नोट कर लेना. नाउ ABC आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इन द शूट. बहुत इंपॉर्टेंट है. शूट एंड रूट बोथ एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन परऑक्सीजोमल ट्रांसपोर्ट, फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट.
नहीं, ये लॉडिश में नहीं है, ये लॉडिश का फिगर नहीं है सर जी, ये लॉडिश का फिगर नहीं है, ये किसी किताब में नहीं दिया हुआ है, ये किसी किताब में नहीं दिया हुआ है शेख भाई, ऐसा थोड़ी ना है, हर चीज किताब से है। ये प्लांट फिजियोलॉजी के जर्नल से है, ये प्लांट फिजियोलॉजी के जर्नल से है, नेचर से है, नेचर से लिया हुआ है मैंने। कोई बात नहीं, बराबर। तो दीज आर इन्वॉल्व इन पेरोक्सीसोमल ट्रांसपोर्ट, प्लास्टिड लिपिड फॉर्मेशन, क्यूटिकल फॉर्मेशन, फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम ए इंपोर्ट टू द पेरोक्सीसोम इज डन बाय एबीसी प्लांट। एबीसी बाबू बच्चा नोट करके रखोगे ना तो याद रखोगे कि ये चीज सर ने पढ़ाई थी और ये आ गई, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर, मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्लियर हो गई मेरी बात, क्लियर हो गई मेरी बात, आप लोगों को बताइए मेरी बात आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं। हाँ जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, हाँ बताइए मेरी बात क्लियर हो गई। तो दैट इज ऑल फॉर द एबीसी फॉर टुडे। हम अब मुझे ये बताइए क्या पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए। मैंने ट्रांसपोर्ट का तो बेसिक पोर्शन जो था वो मैंने पढ़ा दिया, ट्रांसपोर्ट का तो बेसिक पोर्शन जो था वो मैंने पढ़ा दिया। अब आप लोग मुझे बताइए कि आगे क्या पढ़ाया जाए, कौन सी चीज आगे आप लोग चाहते हैं जिसे मैं पढ़ाऊं। आप लोगों की डिमांड बताइए, डिमांड बताइए, डिमांड बताइए, एकदम बढ़िया बताइए। कौन सा गाना बजा, फोटोसिंथेसिस, गॉट इट, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस पढ़ना चाहते हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ना चाहते हैं, सिग्नलिंग पाथवे पढ़ना चाहते हैं। अच्छा फोटोसिंथेसिस पढ़ना चाहते हैं, सिग्नलिंग पाथवे पढ़ना चाहते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सिग्नलिंग पाथवेज, बायोकेम कंटिन्यू करिए, बायोकेम कंटिन्यू करिए सर, सिग्नलिंग पाथवेज, एंजाइम काइनेटिक्स सर, एग्रोबैक्टीरियम की क्लास ले लीजिए, सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग, आगे बोलो 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 बोलो, बोलते जाओ बोलते जाओ, जिसका मैक्सिमम नंबर आएगा वही आगे बढ़ेगा। सेल साइकिल, सेल सिग्नलिंग, कैंसर, और बताओ और बताओ। बहुत तुम लोग बड़े बड़े टॉपिक पढ़ने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हो, हैं सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी टॉपिक नहीं सब्जेक्ट है, सिग्नलिंग या सेल साइकिल, सेल साइकिल, सेल साइकिल, अरे भाई एंजाइम्स, सेल सिग्नलिंग, अरे बाबा सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग आएगा, सेल सिग्नलिंग आएगा, सेल सिग्नलिंग आएगा, सेल सिग्नलिंग आएगा, बिल्कुल आएगा सेल सिग्नलिंग, बिल्कुल आएगा सेल सिग्नलिंग, बिल्कुल आएगा फोटोसिंथेसिस भी, फोटोसिंथेसिस भी, कैंसर, यार ये सब बड़े बड़े टॉपिक तुम लोग लाते कहां से हो, इतना तो हमें आता भी नहीं है। इम्यूनोलॉजी, नहीं 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 नहीं, सेल ऑर्गेनेल्स, नहीं 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 नहीं, चलो चलो। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये मैं तुम लोगों को, जितने भी तुम लोग ये जो बोल रहे हो इनको मैं अक्टूबर में पढ़ाऊंगा, उससे पहले तुम लोगों का बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है। जो बेस है उस बेस को अगर हम क्लियर कर दें, उसको बेस को क्लियर कर देते हैं हम, बेस क्लियर कर देते हैं, सबसे पहले हम बेस क्लियर कर देते हैं। तो अक्टूबर में ये सारी की सारी चीजें पढ़ाएंगे, जो भी तुम लोग बोल रहे हो सारी की सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। कल से हम तुम लोगों को एक काम करते हैं, तुम लोगों को हम लोग एक काम करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग बता देंगे कल से इस अगले हफ्ते में क्या चलेगा। शुक्रिया आज के लिए, बहुत इंतजार करिए कल के लेक्चर का, हम बताएंगे, एक नई यूनिट शुरू करेंगे, अच्छी यूनिट शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग साथ में रहे, शुक्रिया, फिर मिलते हैं।